दिनेश लाल यादव जी, इतना बड़ा गढ़ ढहा दिया, क्या कहेंगे, गढ़ कैसे ढहाया ये? ये हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की जो बीजेपी की सरकार है उसके कार्यशैली और उनके कार्य के द्वारा ही जनता ने प्रभावित होकर के और कमल खिलाया। उम्मीद थी कि जीत हासिल करेंगे, उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी नाम किया तो बीजेपी की सरकार को के उनके काम बदौलत ही यहाँ पे जीत हासिल हुई। जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय मैं जनता को देता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी को देता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी को देता हूँ और यहाँ जितने हमारे पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, पूरी जनता है, इनको यही ये श्रेय जाता है। लोग कह रहे हैं कि जीत भले ही दिनेश लाल यादव गए हैं लेकिन मैन ऑफ द मैच गुड्डू जमाली है। देखिए, जब मैदान में खेलने के लिए सब लोग उतरते हैं तो सब लोग अपनी अपनी पारी खेलते हैं, तो गुड्डू जमाली जी भी अच्छा लड़े। समाजवादी पार्टी के जो थे हमारे भैया धर्मेंद्र जी, वो भी अच्छा लड़े, पर जनता ने कमल को चुना है विकास के लिए, आजमगढ़ के विकास के लिए यहाँ कमल खिला। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए नहीं आए, ये कॉन्फिडेंस था कि घमंड था? नहीं, ये उनकी साजिश थी, क्योंकि उनको पता था कि 3 साल तक वो जीतने के बाद यहाँ नहीं आए हैं तो आजमगढ़ में कमल खिलने वाला है, तो न खुद आए, न खुद अपनी पत्नी को भेजा, छोटे भाई को भेज के यहाँ पे फंसा दिए। आप आजमगढ़ के सांसद हैं कि आर्यमगढ़ के सांसद हैं? मैं सेवक हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। आर्यमगढ़ कब हो रहा है ये पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, दिनेश लाल यादव ने सबसे पहले न्यूज नेशन स्टेट को अपना इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ की देवतुल्य जनता की जीत है और गुड्डू जमाली पर उन्होंने कहा है कि सब चुनाव लड़ते हैं, गुड्डू जमाली भी चुनाव लड़े हैं और उन्होंने भी अच्छे वोट हासिल किए हैं, सबने बढ़िया चुनाव लड़ा लेकिन जीत एक को मिलती है और फिलहाल अपनी जीत का श्रेय इस जनता को और योगी मोदी को दे रहे हैं निरहुआ अपनी जीत का श्रेय। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, आजमगढ़।